एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे ना इस ब्लॉग में क्या होने वाला है। हाँ भाई हाँ, नन्ही दीदी की शादी है। वो खड़ी हैं पूजा भाभी, आप लोगों ने पहले भी ब्लॉग में उन्हें देखा है। और ये गुड़िया दीदी हैं और वो हमारी बेटी हैं नन्ही दीदी। उन्हीं का मेकअप होने वाला है तो हमारी पूजा भाभी करने वाली है। और उन्होंने ना दीदी को इतना सुंदर सजाया था यार, मैं देखती ही रह गई थी। आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और मैं ये बाहर का वेदर आपको दिखा रही हूँ। इतनी तेज आंधी चल रही थी, हम लोग को लग रहा था यार ये आंधी क्यों आ गई, पर उसका आना जरूरी था। उसकी वजह से इतनी गर्मी में इतना ठंडा माहौल हो चुका था और लग ही नहीं रहा था कि नन्ही दीदी की शादी गर्मी में हो रही है। और हम लोग ने बहुत इंजॉय किया था। फिर भाभी ने मेकअप स्टार्ट कर दिया है नन्ही दीदी का। Into your life so unexpectedly. Sometimes someone turns to be the one that gives you everything. Just like you did, took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe, believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I've never felt like so in love and so excited, cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're mine. Mine, 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 mine. Now I'm never leaving you, leaving your side, cause you're चालू हो चुका है दीदी का फोटो सेशन। दीदी रेडी हो गई हैं और बहुत सुंदर लग रही हैं। यहाँ दीदी, गुड़िया दीदी कह रही हैं कि वहाँ उसका फोटो सेशन हो रहा है, हम लोग अभी रेडी नहीं हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो दीदी ये बता रही थी और हम लोग फुल ऑन मस्ती कर रहे थे। तो यहाँ पर पूजा भाभी और गुड़िया दीदी नन्ही दीदी की हेल्प कर रही थी, उन्हें पोजेस भी बता रही थी और सेटअप भी कर रही थी। तो भैया ने बोला कि ये टेबल हटा दी जाए, तो दीदी और भाभी लग गई हैं टेबल हटाने के लिए। और दीदी की बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी। दीदी और भाभी जल्दी जल्दी सेटअप कर रही हैं। नन्ही दीदी आप सभी को हेलो बोल रही हैं और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पता है मैं बार बार उन्हीं को देख रही थी। तो यहाँ सेटअप हो चुका है और यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्चर्स ली जा रही है और हम लोग को भी रेडी होना है। और टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा था ना कि कब 9 बज गया पता ही नहीं चला। प्यारी सी नन्ही दीदी आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो और बस हम ही लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं क्योंकि हम लोग रेडी हुए ही नहीं थे। पूजा भाभी गुड़िया दीदी मैं, हम लोग अभी ऐसे ही खड़े हैं और यहाँ तक भैया तक अभी रेडी नहीं हुए हैं। तो फटाफट नन्ही दीदी का हम लोगों ने फ़ोटो सेशन कराया और फिर हम लोग लग गए अपने आप को रेडी होने के लिए। पर उससे पहले भाभी ने नन्ही दीदी को इतने प्यारे प्यारे पोजेज़ बताए कि ऐसे करो ऐसे करो और बहुत प्यारी पिक्चर्स आई थी। तो यहाँ पर नन्ही दीदी की पूरी हेल्प कर रही हैं भाभी।
अभी, और एक हाथ को छुपाओ, फेस ऐसा रखो ऐसे, ये मेरा है एक हाथ कैसे छुपा हुआ है, मुंडी में बेटा ऐसे करके हंसो, ऊपर देखो, भूख लग रही है ना, दिखाना भैया, अरे यार पहली बार शादी हो रही है मेरी, यार ये कितनी औसम है यार। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और बहुत देर से फोटो शूट हो रहा था तो मेरी दीदी बहुत बिजी चल रही हैं। हाँ जीजा जी से बात नहीं कर रही, जीजा जी से बात कर रहे हो क्या? नहीं, और पूजा भाभी अभी रेडी नहीं हुई है, दीदी भी नहीं हुई है, होने नहीं दे रहा है। अच्छा हाँ, हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। वैसे ये मैं खुद से रेडी हुई हूँ तो आप बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और दीदी बिजी चल रही हैं? थोड़ा सा बस, थोड़ा सा, थोड़ा एड्रेस लोकेशन भेज रही हूँ।